हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, चाहे रेगुलर के हों, सोल के हों या एनसीवेव के हों, उन सभी को एक सब्जेक्ट दिया गया है, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ स्किल एनहांसमेंट कोर्स की कैटेगरी में ये सब्जेक्ट रहेगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं इस कंप्लीट सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर, कि आपका एग्जाम का पैटर्न कैसा रहने वाला है, किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और कितनी आपकी टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको अपलोड मिल जाएगी। इस टाइप के और कंटेंट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को। यूनिक पेपर कोड दिया होता है आपका, नेम ऑफ द पेपर दिया गया है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ स्किल एनहांसमेंट कोर्स, एससीसी की कैटेगरी का ये सब्जेक्ट है। सेमेस्टर इसमें फर्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों में आपका ये जो सब्जेक्ट है ये सेम रहेगा, तो दोनों के लिए यह वीडियो एप्लीकेबल हो जाती है। मैक्सिमम मार्क दिया गया है आपका 80 मार्क का, ड्यूरेशन है कि 2 घंटे की आपका एग्जाम रहने वाला है। इंस्ट्रक्शन में दिया है, राइट योर रोल नंबर ऑन द टॉप इमीडिएटली ऑन रिसीट ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर, द क्वेश्चन पेपर कंटेन वन पार्ट, एक ही पार्ट है इसका, कैंडिडेट हैव टू आंसर एनी 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन है वो 20 मार्क का क्वेश्चन रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेपवाइन कैन समटाइम बी बेनिफिशियल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट एन एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट दी स्टेटमेंट, ये आपका 20 मार्क का क्वेश्चन है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका पैसेज राइटिंग है, ये आपको पूरा पैसेज दिया गया है, इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, फर्स्ट है व्हाई इज द पुल ऑफ ग्रेविटी मच लेसर ऑन द मून, सेकंड है व्हाट मेक द विजिटर नीड टू टेक हिज ओन एयर टू द मून, नेक्स्ट है व्हाट डज द राइटर हैव टू से अबाउट द हाई जंप एंड लॉन्ग जंप ऑन द मून, नेक्स्ट है व्हाट डू वुड हैव टू बी डन टू मेक अ क्रिकेट लेट्स ऑफ बैट्समैन गेम इफ इट वॉज प्लेड ऑन द मून। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, 4 क्वेश्चन दिए हैं, ईच क्वेश्चन आपका 5-5 मार्क्स का आएगा ये, तो ऐसे मिला के ये जो आपका पूरा क्वेश्चन हो जाता है ये 20, अच्छा एक और है, 4-4 मार्क के हो गए फिर तो आपके ये, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाई वुड क्रिकेटर नॉट बीइंग इंटरेस्टिंग ऑन द मून, टोटल आपके 5 पार्ट इसके, 4-4 मार्क का एक पार्ट है, इस तरीके से आपका ये पूरा क्वेश्चन 20 मार्क का बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइट अ समरी ऑफ द पैसेज इन क्वेश्चन नंबर 2 एंड प्रोवाइड एन एप्रोप्रिएट टाइटल, क्या करना है इसमें आपको, थर्ड क्वेश्चन में समरी लिखनी है, जो आपको ऊपर पैराग्राफ दिया है, पैसेज दिया है, उसी की समरी बनानी है, 20 मार्क का ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, राइट अ 3-पैराग्राफ एसे इन 200 वर्ड ऑन द यूज ऑफ मोबाइल फोन इन क्लासरूम, 20 मार्क का आपका ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड स्टेटिंग वाई यू आर अंडर प्रिपेयर फॉर द सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन, 20 मार्क का आपका ये क्वेश्चन आ गया। तो 5 दिए हैं, इनमें से आपको कोई 4 करने हैं 20-20 मार्क्स के, आपका 80 मार्क्स का एग्जाम कंप्लीट हो जाता है। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने कितने मार्क्स के आपके क्वेश्चन आते हैं। सोल और रेगुलर वाले स्टूडेंट की मार्क्स में कुछ डिफरेंस हो सकता है, मैंने अभी क्लियर नहीं देखा है, मे बी मेरे ख्याल से कुछ डिफरेंस हैगा मार्क्स का, कि ये 80 मार्क का है, सोल वालों का कुछ कम या ज़्यादा मार्क का हो सकता है। तो सिर्फ मार्क्स का आपको डिफरेंस मिलेगा, क्वेश्चन आपके इसी टाइप के आते हैं, ड्यूरेशन भी यही रहती है। तो मैं भी आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।